अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले संभावित फैसले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इसी के तहत अमन और शांति के लिए पुलिस गली मोहल्लों में मुनादी के जरिए जहां आम जनमानस से सौहार्द की अपील कर रही है, तो वहीं शहर और गांव में बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगवाकर पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे रही है। बलरामपुर में 13 मुनादी टीमें बनाई गई जो गांव-गांव और गली मोहल्लों में घूमकर अफवाहों पर गौर न करने की लोगों से अपील कर रही है। वहीं SP ने बताया कि जिले में संवेदनशीलता के आधार पर 210 ऐसे गांव और मोहल्लों को चिन्हित किया गया है जहां संवेदनशीलता की संभावना है। इन गांव और मोहल्लों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सभी लोग अवगत हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो बाबरी मस्जिद विवाद है, राम जन्मभूमि विवाद है, उसके संबंध में निर्णय बहुत शीघ्र ही आने की संभावना है। तो इसको लेकर के शासन से और पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इस परिप्रेक्ष्य में हो चुकी हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों में, उन्हीं सभी मीटिंग्स में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश दिए गए थे उनको संग्रहित करते हुए, और उसके अलावा जनपद बलरामपुर में जो हम लोगों ने कुछ नए सिस्टम डिवाइस किए हैं उनको शामिल करते हुए हम लोगों ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक संवेदनशीलता उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण कैसे करेंगे। उधर लखनऊ में भी राम मंदिर मामले पर फैसला आने से पहले अधिकारियों ने कमर कस ली। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में IG महोदय, मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने अयोध्या मामले पर फैसले के मद्देनजर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ संबल में भी कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। फैसला किसी भी पक्ष में आए, पुलिस अपनी तैयारियों को पहले से ही दुरुस्त करने में जुटी है। इसी के चलते संभल पुलिस लाइन बहजोई में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस बलों को हर परिस्थिति में निपटने के लिए दंगा रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को दंगाइयों से निपटने के टिप्स दिए और उनको रिहर्सल के बारे में जानकारी दी। आने वाले समय में सभी त्योहारों और जनपद की सेंसिटिविटी को देखते हुए आज जनपद संभल में एंटी राइड ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया है पुलिस लाइन में। यहाँ पे सभी थाना अध्यक्षों को और उनके जो हमराही हैं, जो हथियार लेकर के चलते हैं, उनको कैसे यूज करना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है, इन सभी की ट्रेनिंग दी गई है। एंटी राइड ड्रिल में 2 पार्टी बना करके उनको सिमुलेट किया गया है कि कैसे दंगाई जब अनियंत्रित हो जाएंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। टीयर गैस गन, सेल और जितने इक्विपमेंट हैं उन सभी का प्रदर्शन आज किया गया है। इसके साथ ही कृष्ण की नगरी मथुरा में भी अयोध्या मामले में फैसले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जिला प्रशासन अपनी पैनी नजर सुरक्षा को लेकर बनाए हुए है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और उसके आसपास के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल ने मॉक ड्रिल की और चप्पे चप्पे के सघन छानबीन करके सुरक्षा और कड़ी करने के निर्देश दिए गए। आज कृष्ण जन्मभूमि पर मॉक ड्रिल की गई थी जिसमें वहाँ CRPF और PSC और लोकल पुलिस सभी कोऑर्डिनेटेड में मॉक ड्रिल की गई है जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सभी के अधिकारी शामिल थे। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो देखा गया एक बार चारों तरफ का कि कहाँ पर क्या क्या कमी है और उसके अनुसार कंट्रोल किए। बता दें कि आगामी दिनों में अयोध्या जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।